वहीं अलीगढ़ से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल थाना इगलास क्षेत्र के गांव लोखदिया निवासी एक महिला में पिछले 10 दिन से बीमार चल रही थी। परिजनों ने एक मौलवी के पास महिला को उपचार कराने के लिए भेजा, जहां मौलवी ने महिला पर भूत प्रेत का असर बताते हुए इसे बंदे कमरे में ले गया, जहां महिला के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। वहीं महिला द्वारा विरोध करने पर मौलवी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला को बुरी तरीके से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। महिला के होश आने पर महिला ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जहां परिजनों ने मौलवी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी मौलवी के आसपास के मुकदमे को हिरासत में लेकर छेड़छाड़ की और मारपीट के आरोप की कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई करके मौलवी को जेल भेज दिया गया है। ग्राम सत्रहवीं कला में थाना इलाज में एक महिला की पड़ोसी मौलवी द्वारा झाड़फूंक के नाम पर काफ़ी मारपीट की गई है। उसके परिवारिक जनों द्वारा मौलवी या लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। इसमें तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मौलवी को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। मामला ये था कि ये 6-7 दिन से इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको क्या मेरे चाचा का लड़का वहाँ लेके गया था, तो इसने क्या कमरे में बंद करके नहीं है उसका इलाज करने का झांसा देकर उससे मारपीट की है। किसने इलाज किया है? ये मौलवी है। जो लुकटिया का मामला है गांव का, ये ग्राम लुकटिया में मेरे छोटे भाई की घरवाली की तबीयत खराब हुई, जैसे बोलते हैं हवा का चक्कर हुआ। आड़ पड़ोसियों को पता चला, किसी पड़ोसी भाई ने बताया कि एक पड़ोसी गांव में एक मौलाना रहते हैं और वो इसका इलाज करते हैं, तो साथ के बच्चे और मेरा छोटा सगा भाई और उसकी घरवाली को लेके गए वहाँ। तो जैसे मस्जिद पर जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो मौलाना भी मौजूद थे वहाँ, उनके पास गए, उनसे पूछा गया कि जी आप इलाज करते हैं? हाँ जी करते हैं। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना के हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अभय सिंह नारी के नेतृत्व में जिला महामंत्री उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में मुसाफिर खाना इकाई की बैठक संपन्न की गई। वही हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अभय सिंह से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता विक्रम भदौरिया ने खास बातचीत की, देखिए। हिंदू युवा वाहिनी की बैठक का उद्देश्य था संगठन को जोड़ना, जिस गांव में संगठन नहीं पहुंचा है उस गांव तक संगठन को पहुंचाना चाहिए, जिस न्याय पंचायत तक नहीं पहुंचा है संगठन को पहुंचाना चाहिए, और जनपद में चल रहे हर ब्लॉकों का गठन पूर्ण रूप से हो चुका है, जिसमें जो न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर संगठन नहीं पहुँचा है वहाँ पर संगठन पहुँचे, कार्यकर्ताओं के में बैठक किया गया है आवास के माध्यम से। वही प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माड़ा बाईपास, बद्रीश और शेष नेत्र झील, अलकानंद नदी समेत तमाम अस्पताल, बस स्टेशन और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि पूरे प्रोजेक्ट के काम 3 चरणों में होने हैं, जिसमें पहले फेज के तहत लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एरियल प्लाजा का काम प्रगति पर है। यूपी के फतेहपुर जिला अस्पताल में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन द्वारा फल वितरण कार्यक्रम के दौरान मरीज और तीमारदारों ने इलाज के लिए बाहर से महंगी दवा डॉक्टर द्वारा लिए जाने की शिकायत की। वही बाहर से दवा लिखे जाने के लेकर केंद्रीय मंत्री के सामने सीएमएस ने कहा कि ये दवा तो जिला अस्पताल में उपलब्ध है, जिस पर केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आ गया है। वही मौजूदा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई गई। जिन डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखी गई है उनके खिलाफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर दवा लिखने की बात भी कही गई है। मैं अब सूचना आती है, आप चिंता मत करिएगा। यही जिला 2014 के पहले बिल्कुल बंद हो गया था,
धर्मांतरण बंद हो गया तो शुरू है उसको हम नकेल कर रहे हैं। दीदी जी, अजान और रामायण पाठ को लेकर सुर्खियों पर है, क्या कहना है? देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि अनुष्ठान अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहती हूँ, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। आज्ञाकारी पुत्र, राजा का कैसा प्रजा का पालन करना, राम जैसी मर्यादा मुझे लग रहा है सबके जीवन में आनी चाहिए। हरदोई का जिला अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है हरदोई का, लेकिन इस अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही। बता दें, यहाँ गंभीर मरीजों को तीन माले पर पहुंचने के लिए अस्पताल में लिफ्ट भी नहीं है, लेकिन वो कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। लिफ्ट है लेकिन वो कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अटेंडर को अपने मरीजों को कंधे पर ले जाना पड़ता है या फिर मरीज खसीटते हुए सीढ़ी चढ़ने को मजबूर है। बता दें, यहाँ वैक्सीन का काम भी तीसरे मंजिल पर होता है और ऐसे में मरीज, तीमारदार और बुजुर्गों को कई महीने से दिक्कत हो रही है। वही लोगों को बताया जाता है कि लिफ्ट खराब है, जल्द ही सही हो जाएगी, लेकिन ये भरोसा कई महीनों से चल रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वही इस संबंध में महिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि उनके पास स्टेट बजट नहीं है। तो आप अस्पताल की ये हालत दे सकते हैं, जहां पर लिफ्ट तो है लेकिन लिफ्ट खराब पड़ी है। एक महीने से हरदोई का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, यहां मरीज आते हैं लेकिन घसीटते हुए वो तीसरी मंजिल तक पहुंचते हैं। लिफ्ट खराब नहीं पड़ी है, लिफ्ट का पिछला बकाया पैसा रह गया है, जो कि देना है वो दिया नहीं गया है। तो मैं तो अभी आई हूँ, दो महीने से मैंने बुला के उनके कर्मचारियों को लखनऊ से दिखवा दिया है, सब करा दिया है। तो जब तक उनका पिछला बकाया पैसा नहीं दिया जाएगा मेंटेनेंस का, वो आगे उसको चलाएंगे नहीं। तो इसकी जानकारी मैंने प्रिंसिपल को दे दी है, और हमारे पास तो स्टेट बजट आता नहीं है, ये तो प्रिंसिपल को ही कराना होगा। तो ये जानकारी मैंने उनको दे दी है, सारे बिल भेज दिए हैं। अब आगे की कार्रवाई उन्हें करनी है, जो वो जितनी जल्दी करेंगी उतनी जल्दी चल पड़ेगी। और कंप्लेंट तो रोज़ ही आती है, काफ़ी मरीज परेशान हो रहे हैं, वेंटिलेशन लगता है, ऊपर लगता है। तो वही प्रतापगढ़ के सराफा कारोबार से बीच सड़क पर लूट की घटना हुई है। बता दें, लूट